नमस्कार, मैं पूजा प्रिया, लाइफ स्टाइल गैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्र के दौरान ज्योतिष में कई तरह के उपाय करने की सलाह दी गई है, इससे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। अगर घर में कलेश की कोई समस्या होती है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको इसके लिए नवरात्र के अंतिम दिन सब कर कर ही परस्पर प्रति चलहिम स्वधर्म निरत श्रुति नीति मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में घी की 108 बार आहुति दे। इससे आपके घर में चल रहे कलेश जल्दी समाप्त हो जाएंगे। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको अष्टमी और नवमी तिथि को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बना ले और उस पर श्री यंत्र रख दे। अब इस श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर उपासना करें। इसके बाद श्री यंत्र को पूजा घर में स्थापित कर दें और अन्य सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। यदि आप अपनी कोई खास इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में अष्टमी तिथि को आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद चढ़ाएं। अब मंदिर की सफाई और महादेव का श्रृंगार करें। अब मंदिर से आते समय मार्ग में शिव जी का ध्यान करते आएं। अब इस दिन रात्रि में 10 बजे मंदिर में जाएं, अग्नि में 108 बार घी की आहुति दें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद अगले 40 दिनों तक शिव मंत्र की 5 माला का जाप अपने घर पर करें। ऐसा माना जाता है कि इससे मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, यदि आप नौकरी न मिल पाने की या नौकरी से जुड़ी किसी समस्या से परेशान है तो आप अंतिम नवरात्र के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर 108 स्फीट मनकों की माला रख दें। इस पर केसर और इत्र छिड़क कर पूजा करें और माला को धूप दिखाए। अब आप ओम ही वगवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र का 31 बार जाप करें। ऐसा माना जाता है कि 11 दिन तक ये उपाय करने से माला सिद्ध हो जाती है और किसी भी कार्य के किए जाने से पहले इसे धारण करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। तो आपने देखा कि नवरात्रि के 9 दिन में किन 9 उपायों को अपनाकर आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और आप अपना मनचाहा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर घर में कोई दोष हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हो, कला से जुड़ा हो, वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकती है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।